चढ़दी कला टाइम टीवी वेखण वाले देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीप सिंह थली, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम लोक मुद्दे। लोक मुद्दे प्रोग्राम दे विच अज असी जिस मसले दे उत्ते गल करन जा रहे हैं, जिस मुद्दे दे उत्ते गल करन जा रहे हैं, वह काफ़ी गंभीर मुद्दा हैगा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मुद्दा हैगा है, जिस तो बाद जिस दे नाल पंजाब की जिहड़ी खुशहाली हैगी है, पंजाब की शांति हैगी है, वह भंग हुई है। इस मुद्दे के उत्ते अज विचार चर्चा करांगे अते किवें असी पंजाब दे विच मुड़ शांति बहाल कर सकते हैं, की स्टैप हो सकते हैं। इस सारे दे लई विचार करन दे लई अज स्टूडियो दे विच साडे कोल आए ने महान विद्वान कमर अजीत सिंह जी और पटियाला दे सीनियर एडवोकेट सतीश करकरे जी। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। सब तो पहला मैं आउंदा कमर अजीत सिंह जी दे कोल। सरदार जी, जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी तो बाद पंजाब की जिहड़ी शांति हैगी आ भंग हुई है, तो इस दे विच असल कारण की है, इस दे पिछे दा कारण की हो सकदा? पिछे शुरू तो कारण जो लभांगे तो कोई हल लगेगा जी। ये तो एक जिस तरह अग तैयार सी तीली लागी गले हुई है जी, शुरू इतों हुई है भी अज तक जिन्हें भी संघर्ष किए ने सिखा ने जी डेरें के बरखिलाफ उन्होंने सारे जो है सिख बच्चे मरे ने जी, दूसरा कोई मरिया नहीं। नंबर दो किसानों का मामला है, हर रोज़ एक दो किसान खुदकुशी करते हैं, उन्हें भी 90% सिख ने बिल्कुल, पर सरकार ने उन्होंने उसनों ठीक कर मसला हल करने का कोई हल नहीं कढ़िया। तीसरा जो है जिहड़ी हाकम पार्टी है सिखी ईसाई को समझ असफल रही है जी, इस कारण करके ये तो एक तीली लग के हो गया, पर पिछों बैकग्राउंड जो है ये चलती आ रही है जी। तो इसनों जो है जो ये कह रहे हैं कि माहौल खराब होया, माहौल कोई खराब नहीं, माहौल रूलिंग पार्टी वास्ते होया, बिल्कुल आम जी जनता है उन्हें कोई तकलीफ नहीं जी, हुण तक जो है कोई फसाद नहीं, कोई मार धाड़ नहीं, कुछ नहीं है। तो ये क्योंकि साइकी समझ नहीं सके इस वास्ते सिखा के मन आक्रोश है, पर कितने कितने आप कह सकते कि पंजाब का माहौल सिखा दे लई भी खराब होया, क्योंकि कमर साहब तुसीं देखते हो कि कोटकपुरे दे विच शांतमई प्रदर्शन किया जा रहा, उस प्रदर्शन के दो नौजवानों की गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता, तो वह कितना कितने असर साढ़े ते भी है, जेकर सरकार के उत्ते असर है तो कि यह कहा नहीं जा सकता कि साढ़े ते भी है? बिल्कुल थोड़ी, पर उसको रिप्रेजेंट गल किया गया है, टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले खुद गड्डियां तोड़ रहे हैं जी, और कह रहे हैं कि पुलिस जो है गड्डियां तोड़ने वास्ते गड्डी रखवाली वास्ते, एक बंदा शांतमई रोस प्रदर्शन कर रहा है, यह विधानक हक है, और शांतमई करके वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, सिमरन जा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं जी, उन्होंने बंदे बैठे तुम गोली चला दो, झूठा इल्जाम ला के कि जी इन्होंने आ किया साढ़े इन्ने बंदे फटड़ हो गए, जोड़े बंदे फटड़ हुए अब तक कद सामने आए भी ए पुलिस वाले बंदे फटड़ हो गए जी, मरण वाले बंदे होर ने जोड़े फटड़ ला दो हैं वो कद तक देखे नहीं। एक शांतमई रोस प्रदर्शन से तुम एक्सैस करो बंदे मरण, कि दुख की गल है, कितने कितने सिस्टम की खराबी है। मैं तो आ करकरे साहब, जिवें हुण सरदार जी कह रहे, कमर साहब कह रहे हैं कि जिहड़ा सिखां दे उत्ते कोई असर नहीं है, सरकार दे उत्ते असर है, इस दे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? थली साहब, इस तरह है कि मैं कमर साहब की गल तो काफ़ी हद तक सहमत है, तो इहदे विच सरकार की जिम्मेवारी तो बनती है जी, सरकार दे विच भी जे आपां कहीए भी जिस तरह कमर साहब ने दस्सिया है कि पुलिस जिहड़ी है तशद्दुद करदी है जी, खुद आप ही मतलब के गड्डियां तोड़ रही है, इत्थे मैं कहना चाहूंगा कि वाकई ठीक है साडा सिस्टम इन्ना खराब हो चुका है कि उन्हें सुधारन वास्ते हले बहुत समय की लोड़ है जी, क्योंकि असी तो 100 साल पिछे बैठे हैं बाकी देशों तो, और जितों तक सवाल है कि साड़ी सरकार दा जी, तां सरकार दे नीचे ही काम करती है पुलिस बिल्कुल, और पुलिस जिहड़ी है सरकार नूं जवाबदेह है हाँ जी, अगर वो जवाबदेह है तो ये सरकार भी जिम्मेवार है हर तरह नाल, तो साडा सिस्टम जिहड़ा है काफ़ी हद तक इस टाइम खराब है, कानूनी सिस्टम खराब होने की गल की जा रही है तुहाडे वल्लों, कानूनी सिस्टम खराब है, उहदे की कारण है, किहड़ियां गल्लां हैगियां जिहड़ियां खराब ने? साडा जिहड़ा कानूनी सिस्टम है उहनूं हाले तक किसी ने ठीक करन की कोशिश नहीं कीती जी, और असीं चाहुंदे हां कि साडी जिहड़ी सैक्शन है साडा जिहड़ा कानून है वह अंग्रेजों का कानून अज भी चल रहा है जी, हुण मैं कहना चाहूँगा इहदे विच कि जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं ये कोई सारे लोग थोड़ा कर रहे हैं, कुछ इस तरह के आंसर होंदे है समाज दे विच,
जिहड़े कोई शांति नहीं चाहुंदे वो शांति भंग करन वास्ते आपस दे विच वक वक जमातां नूं लड़ाउण दी कोशिश करदे आ और लड़ा भी दिंदे आ। ओहदे नाल की हुंदा है कि पुलिस दा ते सरकार दी जिम्मेवारी बन जांदी है कि उस नूं रोकणा किवें है। जिहड़ा तां कोई ऑफिसर बहुत समझदार हुंदा है वो उस चीज़ नूं रोकण दी कोशिश करदा है और उत्थे जिहड़ा है कंट्रोल कर लैंदा है, लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसी गलती करते हैं कि उन्होंने बजाय कंट्रोल करन दे होर भड़का देंदे है। उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े कि जिम्मेवार हैं इन्हां नूं चाहिए कि उन्हां नूं फड़ के उन्हां दे खिलाफ एविडेंस लिया के गवाहियां लिया के ते उन्हां नूं सज़ा दवाउण। जिस तरह के हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का क्वेश्चन है तां तुसीं शुरू इत्थों ही कीता सी, उहदे बारे मैं कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के बारे मेरा आंसर यह है कि उन आंसरां ते जिवें 295 ए 153 ए इस दे अधीन उन्हां ते केस चलाए जा सकदे हैं और जदों उन्हां दे खिलाफ एविडेंस आ जांदी है तां उन्हां नूं सज़ा अपने आप ही मिल जूगी। एविडेंस क्रिएट करन वास्ते साडे लोकां दे विच अवेयरनैस दा होना बड़ा जरूरी है। एविडेंस दा होना जरूरी, सबूत मिलदे नहीं हैगे पर फिर भी केस जिहड़े हैगे आ दायर कर दित्ते जांदे आ। यह कितने कितने जिते सिस्टम की गड़बड़ है, सिस्टम दे विच कुछ ना कुछ खराबियां है, तो यह सिस्टम की सोध किवें कीती जा सकती है? देखो ये सिस्टम जिहड़ा साडा है एक डिले करन दा सिस्टम है और डिले करन दा सिस्टम जिहड़ा है उन्हूं सरकार ही कर सकती है सही जी, लेकिन लोगों के सहयोग नाल। बिल्कुल, हुण अगर सरकार चाहे ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ और उहदे नाल ये सोचे ही नहीं अज तक आपां ने कि संसार बदल गया जी। ईवन के जोग्राफिकली सारा कुछ बदल गया, लोग बदल गए, लोगों की सोच बदल गई, विज्ञान बदल गया, लेकिन आपां उत्थे दे उत्थे बैठे हैं। इस करके साडे सिस्टम नूं सही करन वास्ते साडे संविधान दे विच और साडे जिहड़े धारावां हैगियां कानून दियां उहनां दे विच सोध करना बहुत ही जरूरी है। इस गल ते मैं जोर दवांगा जी। कंवर साहब इसे गल दे उत्ते सोध दी तां गल बाद है, ये पहला टोटली नेगलीजेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन दी जी। एक बंदा 4 महीने पहला चैलेंज कर रहा है कि मैं ऐ करांगा जी, उस ते कोई एक्शन नहीं होया, स्वरूप जो है लै गए चुक्यो। फिर महीना पहला उन्हें चैलेंज किया कि मैं इस तरह बेदबी करांगा, तो जिहड़ी है सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुती पई रही। हुण एक गुरु ग्रंथ साहब जो है किसे वास्ते किताब होएगा, किसे वास्ते धर्म ग्रंथ होएगा, पर साडे वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब है। बिल्कुल, तो किसे बंदे भावना जो बंदा ठेस करता है एक किड्डा वड्डा नुक्स है जी। उस तो पहला जो घटना वापरी है वो एकदम इंपोर्टेंट है जी। सारे पिछे पहला की होया कि सरसा वाले राम रहीम उन्हें कोई गलती की, उन्होंने 5-6 किया गया भी ये मिलवर्तन नहीं करना जी। वो कई साल पहला हो गया, हूँ दोबारे उसका माफ़ीनामा आ गया, ये अकाल तख्त तों कहाया गया। हकीकत यह है ये हुक्मनामा अकाल तख्त का नहीं जी, ये किसी एजेंसी का ऐलाननामा है उन्होंने मूँह पाया गया, तुसीं एक कहो। और अजकल जो युग है सारे पढ़े लिखे बंदे ने सब समझते हैं, पुराना जमाना गया जो किसी कहता है कम सा माफ़ी की दिती गई है, माफ़ी तो बाद फिर फैसला जोड़ा है वापस ले लेगा जो माफ़ी की पहला माफ़ी की गल सो, माफ़ी तो होएगी जे उस किसी संस्था के लैटर पैड चिट्ठी आवे जी, उहदी मोहर होवे, कोई साइन होवे, ना कोई साइन है, ना लैटर पैड है, ना मोहर है, ना पता बंदा कौन लैके आया है। असल च माफ़ीनामा किवें होना चाहिए सीगा करके साहब, क्योंकि तुसीं कानून दे नाल जुड़े हुए हो, तुहाडे मुताबिक माफ़ी किवें दित्ती जानी चाहीदी सीगी? थली साहब ये बारे कहना चाहूँगा कि माफ़ीनामा जिस तरह कमर साहब ने कहा कि वो कोई लैटर पैड नहीं है, वो किसी के सिग्नेचर नहीं है जी। लेकिन वो माफ़ीनामा जितों तक मतलब कि मैं देखा सी वो पढ़ के सुनाया गया सी जी।
जे आपां कानूनी तौर ते चलीए तां जिहड़ा साडा सिस्टम है वो ये होना चाहिए माफीनामा कि पंज प्यारे अपना मतलब के हर तरह नाल सुनवाई करके जिवें कुंवर साहब ने कहा मैं इन्हां सहमत है इस गल कि उस तों बाद अपनी मीटिंग अलग करके अपना फैसला कर दे और अपने साइन कर दे बकायदा जनता नूं नाल लैंदे सिख साहिबान नूं थोड़ा जिहा मतलब आपां ये नहीं कह सकते चैलेंज नहीं कर सकते सिख साहिबान नूं लेकिन ये जरूर आपां लीगल तौर पर देखो लीगल तौर पर असीं जो लीगल बंदे हैं जो असीं एडवोकेट्स हैं असीं अगले नूं राय दे सकते हैं ना दे थोप नहीं सकते बिल्कुल तां मैं अपनी राय जाहिर कर रहा हां कि जिवें कमर साहब ने कहा कि बिना सिग्नेचरां तों बिना लैटर हैड तों इस तरह का किया गया है जी तो उहदे विच इही हो सकदा सी कि जिहड़े अपने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के संबंध में अजकल यह चल रहा है ये सिर्फ इस करके चल रहा है कि कुंवर साहब के हिसाब नाल कि उत्थे लैटर हेड से या उहदा कोई प्रोसैस नहीं सी इस करके चल रहा है अदरवाइज हो सकता कि चलता ही ना जी बिल्कुल इत्थे गल है पंजाब की अशांति की पंजाब का जिहड़ा माहौल है काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा किन्ना क लाभदायक सिद्ध हो रहा जी किन्ना क हानि सानू इस दी हो रही है थली साहब इस तरह है कि जो हुण अपना नुकसान हो रहा है जी तो यह सांझा नुकसान है असी गौरमेंट नूं टैक्स दिंदे हां पैसे साडे जा रहे हैं जी नुकसान साडा ही हो रहा है लेकिन ये जिहड़ा सोशल मीडिया की गल की है तुसीं सोशल मीडिया दे विच भी तो कुछ शरारती अंसर है जिहड़े कि मैसेज गलत दे रहे हैं जी साड़ी कमजोरी ये है आम जनता दी कि असी उन्हां दे गलत मैसेज बारे बिना सोचे समझे ते उहदे मगर चल पैंदे आ जी उहदे पिछे जाके अपनी सोचण शक्ति इन्नी भी नहीं रहिंदी कि असी ये सोच सकीए कि की जिहड़ी ये खबर किसी ने सोशल मीडिया ते पाई है कि ये सही भी है कि गलत है जी पुष्टि नहीं कीती आपां पुष्टि नहीं करना चाहुंदे ही नहीं मोर ओवर आपां इहदे पिछे जाके आपां भी उहनां शरारती अंसरां दी गल सुण के ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕੰਮਾਪਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ लगातार सोशल मीडिया से कोटकपुरा मोगा फरीदकोट च एक पोस्टर लगना कि असी तुहाडे गुरु ग्रंथ साहब नूं किडनैप कर लिया जब तक साढ़े बाबे की पिक्चर रिलीज़ नहीं करते उदों तक असी गुरु ग्रंथ साहब नूं किडनैप करके रखांगे तां कुछ जथेदारा ने 5 लाख रुपए का नाम अनाउंस करता अगले दिन उही व्यक्ति ये कह रहे हैं कि असी फलाने पिंड दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब नूं किडनैप करके एक घर च रख्या होया तुसी पता कर लो असी तुहानू 10 लाख रुपया देवांगे ये पोस्टर भी सोशल मीडिया से और शहरां च लग्गिया लेकिन 2 दिन लगातार ये सारिया घटनावां नू सरकार ने अनदेखा करता फिर वह गुरु ग्रंथ साहब का टुकड़े मिलना अपमान करना ये बहुत बड़ी एक साजिश है अगर सरकार समा रहिंदे 2 दिनां च उस पिंड नू सील करके सर्च कर दी तां गुरु ग्रंथ साहब का अपमान नहीं होना सी और तीसरे दिन जदों सिख संगतां जिहड़ियां सी ओह रोश वजो धरने ते आईआं तां सरकार वल्लों जिहड़ा रवैया सी ओह दूसरे तरह का अपनाया जिहदे नाल पंजाब दे हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए इतिहास हमेशा करवट लैंदा क्योंकि सानूं याद होएगा कि पहला भी सिर्फ अज एक कम का चेंज है कि जदों पंजाब दे पहला हालात खराब होए 13 साल असी काले दिन भोगे उदों भी पंजाब दे अंदर बाबा ननकारी सी जिन्हें सिख कौम के खिलाफ एक किताब कढ़ी उस तो बाद 13 तरीक विसाखी 1978 च 13 अकाली अमृतसर च मारे गए जिथों हालात बिगड़े लेकिन होया क्या कि अज ननकारियां की कोई पहचान नहीं सी किसी ने पग बन्नी है वह सिख कहा जाता है असी बाल नहीं रखे असी हिंदू कहे जाने पर ननकारियां की कोई पहचान नहीं सी अज इसी ढंग नाल एक बाबा चेंज हो गया उदों ननकारी सी पंजाब दा हालात खराब करन वाला अज सरसे वाला सरसे वाले की भी कोई पहचान नहीं है
कुल मिला के लास्ट के अंदर जिदा ननकारिया का मामला से अकाली और ननकारिया का हिंदू सिखा का बन गया। अज भी पंजाब के अंदर यह सरसेआर और अकालिया की लड़ाई कहीं ना कहीं हिंदू सिखा च ददार पाने वाला काम कर रही है। समा रेंदे सानू सारयां नू सुचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ना सरसे वाले की कोई पहचान है ना ननकारिया की कोई पहचान सी। अज जिहड़े लोग गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर रहे हैं उन्होंने चुराहे च खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए है, ता कि हिंदू सिख भाईचारा कायम रह सके। साढ़े गुरुआ ने मुगलियां ने अंग्रेज लड़ाई लड़ी, अपने बच्चे मरवाते चनवाते और सदा ही मुगलियां के खिलाफ चले। इत्थे एक होर गल है कि कई जिहड़ियां जथेबंदियां हैगियां उन्हां दा कहना है कि इस सारे मुद्दे उत्ते सारे मसले उत्ते सियासत भारू है, अते कईआं दा कहना है कि धर्म विरोधी जिहड़े आंसर हैगे आ शरारती आंसर हैगे आ उन्हां दे वल्लों इह सारी जिहड़ी कारस्तानी कीती जा रही है। देखो सब तो वड्डी गल ये है कि सभी सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, तो गुरु ग्रंथ साहब तो उपर कुछ नहीं, और गुरु ग्रंथ साहब ते अकाल तख्त जिहड़ा हैगा वो अकाल तख्त की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जिहड़ी इस बार जिहड़ी जिम्मेवारी है अकाल तख्त नहीं निभा सकिया उहदे कारण पंजाब दे ये हालात ने, क्योंकि असी एक आदमी नूं कह दिंदे आ माफ करता, अकाल तख्त की परंपरा खंडित हुई है उहदे नाल, और माफ करके कदे माफी वापस थोड़ी ली जाती है। किसी आदमी नूं असी फांसी देती उस तो बाद कहांगे इहनूं जीवित करन नूं किदां हो जाएगा। उदे नाल कहीं ना कहीं जिहड़ी सारे चाहे वह पंजाब के हिंदू हैं चाहे वह सिख है उन्हां दी धार्मिक भावना आहत हुई है, क्योंकि अकाल साहब की जिहड़ी मानता सी वह घटी। तुहाडे मुताबिक मतलब कितना कितने अकाल तख्त के जिहड़े जथेदार हैगे आ उन्हां वल्लों कमजोरी है या उन्हां वल्लों कोई गलती हुई है वड्डी? हाँ, उन्होंने किसी भी प्रैशर च करिया जथेदारां नूं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुण मैं एक मंदिर के अंदर बैठा तो मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए कोई रिश्ता नाता प्रैशर नहीं होना चाहिए, मेरी ड्यूटी उस तख्त दे लई समर्पित होनी चाहिए। मेरी अज ड्यूटी इस महाकाली दे मंदिर दे लई समर्पित है, इससे मेरे को कोई प्रैशर होवे कोई रिश्तेदारी होवे मैं कोई नहीं नभावांगा। सब तो पहला धर्म की विजय लई मैं कार्य करांगा, वह जथेदारां नूं करना चाहिए सी जिहदे चों नाकामयाब रहे। कहा जांदा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिहड़ा मुद्दा हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मुद्दा सांझा मुद्दा है, पर कई कह रहे हैं कि यह जिहड़ा मुद्दा है सिख कौम का मुद्दा है, तुहाडे मुताबिक क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सांझीवालता का उपदेश दिता गया है हर गुरुआं पीरां दे वल्लों हर एक धर्म का सत्कार करने को कहा गया है, तुहाडे मुताबिक कि यह सिर्फ सिख कौम का मुद्दा है जां हर एक धर्म जिहड़ा किसी भी धर्म नूं मानदा हैगा उन्हां दा सांझा मुद्दा है? जिहड़े लोग ऐसी गल करदे ने उह धर्म दे जानकार नहीं है, उन्होंने को बुद्धि नहीं है, छोटी सोच है उन्होंने, क्योंकि ये बड़ी स्पष्ट कहानी है कि गुरु ग्रंथ साहब कला हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड संसार के लिए मानने हैं, सारे धर्म उसनों मानते हैं, क्योंकि इहदा बहुत बड़ी एक गल है कि भगवान कृष्ण ने गीता च किया है कि समय समय अनुसार धर्म में परिवर्तन, कभी शास्त्र से तो कभी शस्त्र से। तो कोई भी ग्रंथ है वो किसी एक कम्युनिटी या किसी एक का नहीं है, हमारा जो देश है वो सभी के लिए धर्म स्वतंत्र है और हम लोगों का सारे धर्मों का आदर करना हमारा सत्कार है। यहाँ मैं याद दिलाऊंगा कि काफ़ी साल पहले यहाँ गुरुद्वारा दुख निवारण में जब कार सेवा चली तो ऐसी छोटी बात कुछ लोगों ने की कि यहाँ कोई और व्यक्ति कार सेवा करने नहीं आता, तो चढ़दी कला के जो दर्दी जी थे और मैंने इस बात का स्टेप लिया और हम 1000 व्यक्ति लेकर लगता किसी तकनीकी कारण के कारण साढ़े ना उन्होंने संपर्क जो टुट चुका है, तो मैं कमर साहब के कोलों कमर साहब जिवें सोशल मीडिया की गल हो रही थी इस तो पहले तो सोशल मीडिया के जोड़े धर्म विरोधी आंसर है कितने ना कितने कि वह साड़ी क्योंकि इस मुद्दे के नाल इस मसले के साड़िया अपन भावनावान जुड़िया हुई कि यह सानू मानसिक तौर पर कमजोर करने दाला नहीं हो सकती विरोधी धिर हर चीज़ दे नुकसान भी है फायदा भी है जी, नुकसान वालों नुकसान हो रहा फायदे वालों फायदा हो रहा। हूँ फॉर एग्जाम्पल इनकुआरी अफसर जो है सोता साहब ने कहता जी कि यह बाहरों पैसे आए हैं बाहरली एजेंसियां काम कर रही हैं ये उन्होंने काम होया पैसे प्रेस ने जो है वह गल करी नहीं की सोशल मीडिया गल करी की भी वह बंदे ने उत्थे जिहड़े बंदे फटड़ हुए उन्हां वास्ते पैसे इकट्ठे किए गुरुद्वारे बैठ गए 60-70 बंद ने उन्हें और जी सरकारी एजेंसी है मनीग्राम वो थ्रू पैसे आए जी और वो बंदे पहुंचे ने भी तुम इन्होंने उनका इलाज करना है पर यह प्रचार होया तो हम दोस्तों सोशल मीडिया ये फायदा है नुकसान हो सही गल प्रगट करना कोई माड़ी गल है बिल्कुल। तो दूसरी गल जी मैं मुझे कहा भी ऐसे वैसे तो सारे देश का हाल ये है लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर ही लॉ ब्रेकर ने बिल्कुल खास करके पंजाब और SGPC साडा जो धर्म है अधर्मी बंदे हाथ चला गया जिन्होंने सिख सिद्धांत का नहीं पता यही पंजाबी स्टेटस की गुरु साहब पंजाबी स्टेटस मांगते हैं
चमकौर की जी पंजाब हुकूमत का गड़ी खाली छड़ कर चले जाओ, गुरु साहब छड़ दी गए पंजाब पैरों हुकूमत जो दादू दादू इस समाध दे गए महाराज तीर नमस्कार की सिखा ने फड़ लिया महाराज सानू कह रहे बरत गौर मड़ी मैं ढूल भूल ना मन है कि तुम ये कर आइए। महाराज कहा मैं बहुत खुश हाँ, मैं चाहता सी मेरे सिखा सपेट हो गलती करे चेक कर सको लाई लगना बनो। इस वास्ते महाराज ने स्वीकार किया, मैं तनखा की तनखा लाई महाराज वो परंपरा चलती आ रही है। लेकिन जी सा हूँ एस जी पी सी है वो जो हैड ने इस गल समझते नहीं है, थोप रहे ने कि साढ़े इंपलाई ने इंपलाई जो बंदा गुरमंत्र दिता है अमृत छका थोड़ा इंपलाई भी होने के बावजूद थोड़े उपर है संघर्ष चलिया मुद्दे हल किए जान। बाबा सूरत सिंह इन महीने तो जो है कस्टोडी ची हालत की है जान के लंगरों सरकार कर रही है बंदी सिंह रिहाई होण जिहड़े बंदे साजिश की है गलती की है गुरु साहब बेदबी की दोषी सजावे देती जाए और जिहड़े बंदियां ने पुलिस पुलिस ने तशद्द किया है उन्हों का बाई नेम जो है रजिस्टर्ड हो एफ आई आर हूँ जो रजिस्टर है नेम नहीं है। सब तो अखीरली गल जिहड़े बंदे साडे धार्मिक बंदे च पोलिटिकल बंदे सिख होने के नाते सिख भावना खिलवाड़ करने वह ओपनली पब्लिक को माफ़ी मंगो उस दिन शांति हो जाए जी। तुसीं की कहना चाहोगे? मैं अखीर दे विच ये कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म से किसी भी तरह का कोई अटैक होंदा जिमें कि गुरु ग्रंथ साहब दे पीहद भी की गई है। मैं सारे धर्मां नूं ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जदों भी किसी भी धर्म की बेअदबी हुंदी है तो सारे धर्मां नूं रल के उहदा विरोध करना चाहिए। जो अज गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है इहदे विच चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई सिख है चाहे कोई ईसाई है सब नूं इकट्ठा होकर इहदा विरोध करना चाहिए ता जो जनता दे विच इह संदेश मिले कि जदों भी किसी दे धर्म ते अटैक हुंदा है तां उहनूं सवारन वास्ते या लोकां दे विच संदेश देण वास्ते सारे धर्म इकट्ठे है। इसे तरह ही यह चलना चाहिए और अज जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है इहदे विच भी सारे धर्मां नूं इकट्ठे हो के ही इहदा विरोध करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद तुसीं स्टूडियो दे विच आए कहक साहब तुहाडा बहुत धन्यवाद कमल साहब तुहाडा भी बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों यही साडा दा प्रोग्राम लोक मुद्दे अज सानू लोड़ है पंजाब दी शांति नूं मुड़ बहाल करन दी। पंजाब सूबा खुशहाल सूबा मन्निया जांदा है मुड़ असी उस राह दे उत्ते आ जाइए खुशहाली दे राह दे उत्ते आ जाइए क्योंकि जदों श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद किया गया तो गुरु गोबिंद सिंह जी दे वल्लों बहुत वधिया लीड की गई उस समय कोई भी जिहड़ी हैगी आ अशांतमई जां शांति नूं भंग वाली करन वाली गल नहीं की गई। सो आपां अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दा मुद्दा वड्डा मुद्दा है किसी भी तरह के नाल इस जिहड़े इहदे नाल जुड़े हुए दोषी हैगे आ उहनां नूं छड्डिया नहीं जाएगा अते जदों दोषी फड़े जांदे ने सही मायनियां दे विच सबूत साडे कोल आ जांदे ने तां उदों तक सानूं आप नूं खुद संजीदा हो के जिम्मेवार हो के फैसले लेने पैणगे अते पंजाब दी शांति नूं कायम रखना पएगा अते जिहड़ियां सोशल मीडिया दे उत्ते फेसबुक ते कोई भी खबरां आउंदियां उस दी पूरी तरह दे नाल पुष्टि करन तो बाद ही शेयर किया जाए। अगर तुसी इस प्रोग्राम नूं दुबारा देखना चाहुंदे हो तां असीं इस नूं जल्द ही लोक मुद्दे अबाउट सिखिज़म दे नाम ते यूट्यूब दे उत्ते भी अपलोड कर रहे हैं। सो इह सी साडे अज दी खास पेशकश लोक मुद्दे। मैनूं जगदीप सिंह थलिंदे इजाजत धन्यवाद।